तो तुम तो ऐसे श्रावक हो जो कोई व्यसन नहीं करते, पंच परमेष्टि की शरण में रहते हो, तुम्हें भी उपदेश मिल रहा है, तुम्हारे परिणाम क्यों नहीं बदलेंगे, हमें तो विश्वास है। आचार्य महाराज ने पहले भी एक सूत्र दिया था, शील रत्नम हतम यस्य मोह ध्वान तमु पेयोसा नाना दुख सता कीर्णे नरके पतन ध्रुवम। नियम से अपने शील का घात कर दिया है, उसका नियम ध्रुव से पतन की नरक पतन ही है। यदि आपने अपने शील में दोष लगाए हैं तो कोई बात नहीं है, गुरु के पास चले जाना और पश्चाताप प्रायश्चित ले लेना, उससे शुद्ध हो जाओगे। एक ही मात्र उपाय है कि जिन शासन में गुरु के द्वारा अपने कृतज्ञों को अपने मुख से ऐसे कहना, जैसे सचिन भाई कि कोई शरीर को छेद दे और रक्त एक बूंद भी ना बहे, और हमारे परिणाम गुरु के सामने ऐसे हो कि मेरा शरीर तो है ही नहीं, मेरी सिर्फ आत्मा है, ऐसा इतना कष्ट होना चाहिए, गुरु भी समझे वास्तव में प्रायश्चित के काबिल है ये, इसको प्रायश्चित से शुद्ध कर दिया जाए, वो तुरंत ही तुम्हारा कितना ही बड़ा पाप हो सब प्रायश्चित में, गुरु के प्रायश्चित में से शुद्ध हो जाता। कभी पश्चाताप मत करना, सिर्फ यदि कोई दोष हो गया है तो पश्चाताप नहीं करना, गुरु के पास जाकर प्रायश्चित करना, तुम्हारा वो इतना कितना भी बड़ा पाप होगा धुल के सब समाप्त हो जाएगा। एक ध्येय लगा के सील पतन नरक पतन है, और सील के लिए लोगों ने एक ध्येय लगा के रखा है, यानी सील की रक्षा मात केवल ब्रह्मचर्य से होती है। सील के 18,500 दोष हैं, एक अब्रह्म ही नहीं है, उसकी पूर्णता तो 14 गुण स्थान में होती है, सील की पूर्णता तो वहां होती है, आपने तो अब्रह्म सेवन को ही सील मान लिया है। मात्र इतना मात्र सील नहीं है, आप ब्रह्म का सेवन मात्र कुशील नहीं है। एक और आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने गाथा में कहा है, कम्मम स्वे कुशीलम स्वे कम्मम चावी जान सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसार पविसेदी। जितने प्रकार का अशुभ कर्म है वह सब कुशील है, आप लगा लेना हम कहां अशुभ कर रहे हैं, वहां सब कुशील ही कर रहे, चलने में देखने में बैठने में बोलने में खाने में पीने में, ये सब जहां अपने आप से असावधानी हो रही है कुशील सेवन हो रहा है। देखने में पाप नहीं है लेकिन ताकने में पाप है, तुम्हारे परिणाम इन्हीं आंखों से भगवान को देखते हो, इन्हीं आंसुओं से इंसानों को देखते हो, लेकिन जो परिणति जो परिणामों के तुम्हारे भाव होते हैं वही पाप बंध के कारण होते। देखने में पाप नहीं है कि हमारी आंखें नहीं होती तो हम ऐसा पाप नहीं देखते, अरे पाप तो देखने में नहीं, लेकिन जो पाप तुम देख कर उसको अंदर ले जा रहे हो, जो तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं वो पाप बंध के कारण है। इस उतना मन जितना कुशील का सेवन तुमने तन से नहीं किया उतना मन से किया है, दुर्गति होगी कि नहीं होगी। जितने पागल हो रहे हैं वे सब अशुभ कर्म के उदय से हो रहे हैं, और जितने उन्मत्त हो रहे हैं अशुभ कर्म से हो रहे हैं। ज्ञानियों जगत का सुख करने जगत को खुश करने के लिए विचार छोड़ देना कि हम इनको खुशी कर दें इनको संतुष्ट करते हैं फिर हम दीक्षा लेंगे, ये तो बात जमी नहीं। किसी को तुम खुश कर नहीं सकते, और अपने चित्त को खुश करना चाहते हो तो शुभ करना प्रारंभ कर दो,
भैया विश्वास रखना, लाखों करोड़ों का द्रव्य तुम्हारे हाथ में आ जाए वो खुशी और है, अरिहंत का अभिषेक करने की खुशी और है, और श्रावक निर्गंत को हाथ पर ग्रास रखने में वो खुशी और है, और तेरे हाथ से यदि मुनि पड़गहन मुनि का पड़गहन हो जाए तो वो खुशी और है, और पड़गहने के समय जब मुनि महाराज तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तो तेरे उस आनंद की अनुभूति क्या होगी। सबसे बड़ा पंचम काल में आनंद है एक गरीबी का आनंद, कोई गरीबी नहीं लूट, यदि आपको गरीबी में भी होकर के बहुमूल्य आनंद लूटना है तो निर्गंत मुनि को पड़गहाने खड़े हो जाना, और जिस जीव के सामने निर्गंत तपोधन खड़े हो जाए उस जीव तो वह कहेगा कि भैया, उससे पूछना कि कैसा लग रहा है, वो कहेगा कि तुम चक्रवर्ती की संपदा भी ले जाओ लेकिन मैं मुनिराज को नहीं जाने दूंगा। इतना इतनी खुशी होती, इतना आनंद आता है, सबसे बड़ा आनंद उसको आता है जो निर्गंतों का पड़गान करता। वो क्या जाने जो चौकाई लगाना नहीं जानते उन्हें आनंद नहीं आता, भले धनाढ्य हो धनपति हो नोटों पे सोते हो उनके बिस्तर चांदी सोने के हो उन्हें आनंद नहीं आता जितना आनंद एक निर्गंत को आहार देने में आता। जी छोटे छोटे बच्चे साथ में जाते महाराज जी के, उन्हें भूखी नहीं लगती, भैया उन्हें भगाना पड़ता है कि हमारे सामायिक का टाइम हो गया अब जाओ भोजन करो, कि ले महाराज जी सही बताएं हमें भूख नहीं लगती, इतना आनंद आता है। हमें इनको कहना पड़ता है भैया हमारे सामायिक का टाइम हो गया हमें सामायिक करने दो, इतनी अनुभूति होती, हमें भी होती थी, लेकिन उन अनुभूति को ही लेते रहोगे कि इस अनुभूति को भी लेना पड़ेगा। लेकिन मुनिराज अपने आप जाने नहीं दूंगा, श्री के राग के आनंद भिन्न है, स्त्री के राग के आनंद भिन्न है, और तेरी ज्ञानी जिन श्री जिनकी अनुभूति के आनंद भिन्न है, और सारा आनंद लूट रहा है वह आत्मा है, आत्मा का आनंद आत्मा ही ले रहा है। जिन जीवों ने निर्गंत का पड़गहन नहीं किया, योगी के हाथ पर ग्रास नहीं रखा, उनको क्या मालूम आनंद कैसा है, वह तो बंध्या स्त्री के समान है, तुल्य है, कि वो क्या जाने, जब वह तो उसे क्या मालूम बेटे खिलाने का क्या आनंद आता है, जब माँ की गोदी में बालक खेलता है उस माँ की अनुभूति जितनी है, और फिर जिसने आंगन में निर्गंत तपोधन यथा जात स्वरूप आ जाए तो उस माँ के आंगन की अनुभूति क्या होगी, उस माँ के आंगन की अनुभूति माँ ही जानती है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, कहावत नहीं, उस बुंदेलखंड की माँ से पूछना कि उस जिसका पति चल बसा हो बेटा नहीं हो, क्या उस माँ को कभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है, आ सकती है नहीं आ सकती, आ सकती है। तू जीवन में कभी खुश हो पाएगी क्या, ज्ञानी उस माँ की आंखों से आनंद के आंसू उस दिन आते हैं जब उसके आंगन में निर्गंत का पड़गहन हो जाता है। आंगन में मुनिराज पधारे, पति को भूल जाती है, बेटे को भूल जाती है, लेकिन योगी की वंदना करके अपने भाग को सहारती है, अपना दुर्भाग्य नहीं मनाती, वो उसकी खुशी मनाती है। वो दिन तो चले गए लेकिन ये दिन क्यों छोड़ू मैं, ये अपने भाग को संवारती है। एक दिन हमारा पास ये मनी की